जनपद बिजनों के टांडा माई दास क्षेत्र में स्टोन क्रैशर वालों की चल रही खुलेआम मनमानी। नगीना देहात रायपुर थाना क्षेत्र में कई जगह नदी और खो के किनारे लगे अवैध रूप से स्टोन क्रैशर पर खुलेआम अवैध रूप से खनन का कारोबार जारी है। कोई भी जिला प्रशासन, राजस्व विभाग, खनन अधिकारी नहीं करते स्टोन क्रैशर की कोई जांच और न ही करते निरीक्षण। जब भाजपा सरकार में यह हाल है तो कौन सी सरकार में अवैध रूप से खनन से चल रही खुलेआम स्टोन क्रैशर को नदियों के किनारे पर कैसे इन पर प्रशासन चाबुक कासे। सूत्रों की माने तो कई बीघा जमीन ग्राम समाज भी नदी के किनारे स्टोन क्रैशरों में दबी हुई है। योगी सरकार में जिला प्रशासन बिजनौर की नहीं पड़ रही निगाह। नदी किनारे लगे स्टोन क्रैशर पर जब नदी किनारे स्टोन कैसे लगे होंगे तो कैसे अवैध खनन कोई बंद करा सकता है। खुलेआम स्टोन क्रैशर की आड़ में अवैध खनन का कारोबार जारी है। कोई अधिकारी नहीं चेक करने को तैयार। रिबन ने इन स्टोन क्रैशर ऊपर और न ही माल का स्टॉक। मनमानी काम करते हैं स्टोन क्रैशर के मालिक। इन्हीं के चलते कहीं ओवरलोड डंपर से मासूमों की जाने जा चुकी है। कहीं भी खनन से भरे ओवरलोड डंपर कहीं पलट जाते हैं तो कहीं किसी के घर में घुस जाते हैं, जिससे कई बार हादसे हो चुके रोड पर एक्सीडेंट के। मगर फिर भी प्रशासन स्टोन क्रैशर वालों पर नहीं देते ध्यान और गरीब तबके के लोगों के ट्रैक्टर ट्राली का मनमानी लेते हैं रेत बज्जर, जिससे गरीबों की ट्रैक्टरों की किस्तें उतारने के भी पैसे नहीं उनकी जेब में पहुँच पाए। यह रवैया है स्टोन क्रैशर गोल्डन और भारत के मालिकों का। जनपद बिजनों से अक्षय कुमार की रिपोर्ट।